हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएट्री जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसके पोएट हैं थॉमस कैरियो। ट्रू ब्यूटी मीन्स होता है, ट्रू मीन्स सच्चा या ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। तो इसमें आध्यात्मिक या अंदर की सुंदरता के बारे में बताता है हमें कवि थॉमस कैरियो। कहते हैं अबाउट द पोएम, द पोएट प्रिफेयर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। इसमें जो कवि है हमें बताता है शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा आध्यात्मिक सुंदरता का महत्व बताता है। ही सेज दैट, वो कहता है फिजिकल चार्म डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द डीके ऑफ द दी चार्म्स द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लाइन। कवि बताता है कि जो फिजिकल शारीरिक सुंदरता होती है वो उम्र के बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और जो लवर की फीलिंग होती है, जो प्यार करने वाले, उसकी फीलिंग भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाई, और जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है या प्रेम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी नहीं मरता है। द पोइट देयरफॉर ग्लोरीफाई द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल विच इज ट्रू ब्यूटी एंड इग्नोर फिजिकल चार्म इट इज डिवॉइड ऑफ पर्च्यू। और वो कहता है कि जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वो कभी नहीं ख़त्म होती है, वो हमेशा तक चलती है, और आपका बॉडी भी ख़त्म हो जाए तो जो आपकी आत्मा है, आत्मा के साथ वो जन्म जन्मांतर तक सुंदरता आपके साथ बनी रहती है, और जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो शरीर के साथ ख़त्म हो जाती है। पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर और फ्रॉम स्टार लाइक आई डोट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, जो व्यक्ति अपनी प्रेयसी जिससे प्रेम करता है कि गुलाबी कपोलों को प्रेम करता है और अ कोरल लिप एडमायर अथवा मूंगे जैसे लाल ओंठों की प्रशंसा करता है और फ्रॉम स्टार लाइक आई डोट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर अथवा सितारों जैसी चमकदार आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, उसकी प्रेमाग्नि अवश्य समाप्त हो जाए क्यों। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो इज फ्लेम मस्ट अवे बेस्ट, मतलब जैसे ही उसका शारीरिक सुंदरता ख़त्म होगी, गुलाबी कपूर लाल ओंठ या सुंदर जैसे ही नष्ट हो जाती हैं, उसकी जो जैसे वो वृद्धावस्था में पहुँचता है उसकी सारी ये सुंदरता है ख़त्म हो जाती है, और उसने जो इतनी मेहनत की है वो भी वेस्ट चली जाती है। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर हर्ट विथ इक्वल लव कम्बाइन कैंडल नेवर डाइंग फायर वेयर देयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइट लवली चीक्स और लिप्स और हाई। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला तथा दृढ़ मस्तिष्क जेंटल थॉट सुंदर विचार एंड काम डिजायर तथा शांत इच्छाएं हर्ट विद इक्वल लव कंबाइंड तथा सम्मान प्रेम से जुड़े हृदय कैंडल नेवर डाइंग फायर चिरस्थाई होते हैं, प्रेमाग्नि प्रज्वलित रखते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइट लवली चीक्स और लिप्स और आई, जहाँ पर ये वस्तुएं नहीं होती वहाँ मैं सुंदर गालों होठों और आँखों को घृणा करता हूँ। तो स्टूडेंट कभी कहना चाहते हैं कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वो समय के अनुसार ख़त्म हो जाती है, और उसको जो प्रेम करने वाले होते हैं वो भी उनकी प्रेमाग्नि ख़त्म हो जाती है, बुझ जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वो आपकी आत्मा आत्मिक होती है, और वो आपकी जन्म जन्मांतर आपकी आत्मा के साथ चलती रहती है। तो स्टूडेंट आपका ये पोएम ख़त्म हो गया, आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास सारे वीडियो पहुँच सकें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।